नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिनभर। मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। इसके लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल और झारखंड के ऊपर एक गहरा अवदाब बना हुआ है। इसके आगामी 24 घंटों में लगभग पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने और कमजोर होकर डिप्रेशन बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान में 18 और 19 सितंबर को कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनता को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही राजस्थान में किसानों और उद्योगों को सस्ती दरों पर बिजली मिलने लगेगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने यह ऐलान NTPC की 160 मेगावाट की ऊर्जा परियोजना के शिलान्यास करने के बाद किया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मंगलवार को राजस्थान दौरे पर आए। प्रदेश में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के सिलसिले में वो प्रदेश की लीडरशिप के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर जमकर निशाना साधा। रंधावा बोले कि बिट्टू का दिमाग ठीक नहीं है, उसे इलाज की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ में केक काटकर पीएम मोदी का जन्म दिवस मनाया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ टाउन में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया, जिसमें 103 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान के जैसलमेर में जिला कारागृह का मंगलवार को अचानक निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान जेल में 2 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन और एक इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला डोंगल निरीक्षण टीम को मिला। ये पूरी कार्रवाई जैसलमेर पुलिस के COCT राजेश शर्मा के नेतृत्व में की गई। इस दौरान DST टीम सहित 15 पुलिसकर्मी की टीम मौजूद रही। बता दूं, मोबाइल और डोंगल जेल के अंदरूनी हिस्से के पीछे की तरफ जांच के दौरान पत्थरों के बीच रखा हुआ मिला। बीजेपी नेता करोड़ीलाल मीना सोमवार को गिजगढ़ में कड़ी की कोठी चौराहे पर चल रही श्रीमद भगवत कथा के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। वहां उन्होंने डोटासरा के साड़ू वाले बयान पर पलटवार किया। करोड़ीलाल मीना बोले कि अच्छी बात है कि डोटासरा ने साड़ू बना लिया, हमें क्या दिक्कत है, गुजर को भी साड़ू बना लो और अच्छी बात हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा आदेश पारित करते हुए पूरे देश में 1 अक्टूबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक अतिक्रमण होने के हालात में ही बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। 17 सितंबर को आम आदमी पार्टी मुख्य अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को अपनी जगह अगला मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव रखा। केजरीवाल के इस प्रस्ताव को आम आदमी पार्टी विधायक उन्होंने मंजूर कर लिया, लेकिन राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने इसे दिल्ली के लिए दुख बताया। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, दिल्ली के लिए आज बहुत दुख दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरू को फांसी से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। आरजीकर हॉस्पिटल रेप मर्डर मामले में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सीएम ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों की मांग को मान लिया है। सीएम ने 5 में से 3 मांगों को मान लेने का ऐलान किया है। इस बीच केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने सीएम के तरीके पर सवाल उठाते हुए इस्तीफा मांगा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए नए मुख्यमंत्री का चुनाव कर लिया है। आतिशी दिल्ली की नई सीएम होंगी। विधायक दल की बैठक में उनका चुनाव किया गया। आतिशी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें आतिशी ने कहा, जितना सुख आज मेरे मन में है उससे ज्यादा दुख भी मेरे मन में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा दे रहे हैं। दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से मैं जरूर कहना चाहती हूं कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू हूं। शुक्रिया।